मैं शाहिद परदेसी, एक्स गार्ड मुगल सराय से, फिर आपके सामने एक एपिसोड लेकर आया हूँ। ये एक नया एपिसोड है और ये एपिसोड है एक कुदरत का करिश्मा। इसका नाम है मुगल सराय टू जबलपुर। मेरे एक साथी हैं एस एन पाठक, श्री नारायण पाठक। वो 1976 की बात है जब श्री नारायण पाठक क्लास 4 स्टाफ में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे, तो उनको फोरमैन ने बोला कि पाठक जी आप चले जाइए जबलपुर बॉम्बे मेल से, उधर से जो बॉम्बे मेल आएगी उसमें हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आ रहे हैं, उनको स्कॉर्ट करके उनके साथ लेकर के आना है, जो भी ज़रूरत होगा। परिवार के साथ आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पाठक जी को हुक्म मिल गया, पास मिल गया, वो अपना बॉम्बे मेल से सवेरे 8:10 में मुगल सराय से पकड़ के चल दिए। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, किसी तरह वो जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनका कपड़ा सब मैला कुचैला हो चुका है, गमछा था एक ठो और एक बैग था। वो जबलपुर स्टेशन उतरे, 10 बज रहा था दिन का, सोचे कि निहा लेना चाहिए, कपड़ा गंदा उसको साफ करना चाहिए। वो जबलपुर स्टेशन से बाहर निकले और निकल कर उन्होंने एक साबुन खरीदा और शर्ट पैंट को धो करके उसको एक बेंच पर पसार दिया और गमछा पहनकर घूमने लगे। गर्मी का दिन था, सोचा कि वो जल्द ही उनका कपड़ा सूख जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने घूम कर देखा तो शर्ट और पैंट दोनों गायब था। अब तो उनके पैर के नीचे से धरती सरक गया, घबरा गए कि अब क्या करें, गमछा पहन के हम कहाँ घूमें। बहुत चिंतित मुद्रा में वो बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी एक फकीर आया, वो बगल में बैठ गया। कहा क्यों बच्चा, क्यों उदास बैठे हो? उन्होंने कहा कि बाबा इसी बात है। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी। भाई घबराओ मत, तुम्हारा कपड़ा इस्त्री होने गया है, वो आएगा, वो लाने वाला लाएगा, तुम उसको ले लो। कहा कि ऐसा कभी होता है क्या? है कि हाँ ऐसा ही होता है, घबराओ मत। अभी देखो गाड़ी एक आएगी, उसमें से लोग उतरेंगे, उसको देखना, वो आदमी एक झोला लिए हुए होगा, उसको पकड़ना, उसके झोला में तुम्हारा शर्ट पैंट इस्त्री किया हुआ मिलेगा। पाठक जी ने विश्वास कर लिया। अगर ठीक है, गाड़ी एक तो आई, बहुत भीड़ उतरी, गेट पर एक फकीर ने बताया कि देखो वो आदमी जो झोला लिए हुए जा रहा है, उसके हाथ में एक झोला है, उसमें तुम्हारा शर्ट पैंट इस्त्री करके वो रखा हुआ है। पाठक जी दौड़े और दौड़ कर उस आदमी को पकड़ा, कि डूब जाओ क्या, घबरा गया, क्या बात है? कहा कि तुम्हारे झोला में मेरा शर्ट पैंट इस्त्री करके रखा हुआ है, दे दो। कि कहाँ रखा हुआ, देखो, झोला खोला तो उसमें उनका शर्ट पैंट मिल गया। वो बहुत खुश हुए और शर्ट पैंट अपना ले करके वापस लौटे तो फकीर लापता था, फकीर चला गया था। उन्होंने कहा वाह, ये कुदरत का करिश्मा है, इसे अल्लाह ने करके दिखा दिया। और पाठक जी बहुत खुश हुए और जब उधर से बॉम्बे में लाई तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के साथ जबलपुर से मुगल सराय के लिए लौट आए। तो ये है कुदरत का करिश्मा।
तो आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब साहित्य प्रोग्रेसी 108 को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ। सलाम, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।